कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार में किसानों के लिए खाद एवं पोषण विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को कृषि विज्ञान केंद्र की प्रधान व वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रीता सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, पंकज कुमार, स्वीटी कुमारी आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम संबंधी जानकारी देते हुए केवीके की प्रधान डॉक्टर रीता सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से जिले के महिला पुरुष किसान कृषि विद्यालय के छात्र छात्राओं समेत तकरीबन 100 लोगों को एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य व पोषण संबंधी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही हर मनुष्य की मूल संपत्ति है। कार्यक्रम द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जानकारी दी ताकि बीमारियों से बचा जा सके। खाद्य व पोषण कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित लोगों को सहजन तथा मशरूम में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपने घरों में पोषण वाटिका बनाकर पोषक तत्वों से भरपूर साग सब्जी उगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। केंद्र कटिहार में जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का थीम हमारे यहाँ किसान भाइयों का खाद्य और पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जानकारियाँ प्रशिक्षण के थ्रू, नई नई तकनीकों के थ्रू हम लोग उत्पादन पर जोर देते हैं, लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है वो पोषण कहीं ना कहीं हम किसान भाइयों हों चाहे हम लोग हों, ये नज़रअंदाज ये समाज से ख़त्म हो रहा है। हम लोग उगा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन खुद के लिए खुद समय नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, हमारे समाज स्वस्थ है और किसान भाई स्वस्थ हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो आज का जो विषय है खाद्य और पोषण, जो कि आज के दौर में कहीं ना कहीं ये इसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की बात है। और कैसे हम महिलाएं, किसान भाई, परिवार के साथ साथ पूरे समाज का खाद्य और पोषण को सही कर सके, इसके अंतर्गत अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं हम बहुत सारे चीज़ें, जैसे बहुत कम लागत में सहजन, ये जो पूरे जिले में है सहजन लोग खाते हैं, सहजन पत्ता जो खनिजों का भंडार है, परिपूर्ण है न्यूट्रिएंट्स से, न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स के नाम से इसको जाना जाता है, देखेंगे लोग लेते नहीं हैं। और इनकी तुलना बहुत सारे फलों से भी किया गया, हम लोगों ने देखा इसको लेने का तरीका कैसे लें, ताजे के रूप में इसको साग पाउडर और ये सुखा के भी पाउडर के रूप में इसको लिया जा सकता है। साथ ही साथ मशरूम उत्पादन पर कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार समय समय पर बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किए, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट भी है बायोटेक किसान हब के थ्रू, और इसका काफ़ी असर प्रभाव दिख रहा है। लेकिन अभी भी ये प्रोटीन रिच डाइट है और कैसे लेना है इसको अपने भोजन में, कैसे इंक्लूड करना है दैनिक भोजन में, लोगों के बीच में जानकारी का अभाव है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र इन सबों चीज़ों को आज के कार्यक्रम के तहत बता रहा है। और साथ ही साथ जितने भी किसान भाई और महिलाएं हैं वो गृह वाटिका, पोषण गृह वाटिका के जरिए वो थोड़ा सा हरे साग सब्जियां, जैसे कुछ चुकंदर लगा लें, पपीता वगैरह, सहजन का पेड़, ये सब बाड़ी में जो भी वो ज़मीन उपलब्ध है।